हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मनाली से निकल रहे हैं। स्पीति का सीरीज शुरू हो रहा है इसी वीडियो से, तो थोड़ा लेट हो गया है। अभी 10 बजने को है, तो हम लोग फटाफट आज ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी आज उपमा बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया उपमा, और ये खा के निकलते हैं। और ये हैं हमारे भैया लोग जिन्होंने उपमा बनाया है। सो गाड़ी में बैठ गए हैं और मनीष अभी थोड़ा सा गाड़ी की कांच वाच साफ कर रहे हैं। सो फाइनली अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं अपना जर्नी। 10:50 हो रहा है, बहुत लेट हो गए हैं। और अभी जो आज का जो फर्स्ट डे वन का स्टॉप होगा वो भित्तल में है, नारकंडा से थोड़ा सा ऊपर। इट्स फ्रॉम मनाली, मतलब हमारे होम स्टे से इट्स 180 किलोमीटर। या हम लोग जीभी होके जाएंगे। सो गूगल बता रहा है कि 6 आवर्स लगेगा, 6 to 6.5 आवर्स। रास्ता थोड़ा सा खराब मिलेगा क्योंकि यू नो फोर लेनिंग का काम हो रहा है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ स्पीति सीरीज स्टार्ट होता है इस वीडियो के साथ। तो हमारा वेकेशन स्टार्ट हो गया है। हमने प्रॉपर लीव अप्लाई किया हुआ है फॉर दिस वीक, क्योंकि वहाँ पर वर्क फ्रॉम माउंटेन्स नहीं हो सकता है। द रीज़न इज वो एरिया में आपका इंटरनेट तो चलेगा नहीं, आपका नेटवर्क ही आ जाए बहुत बड़ी बात है। सो इस वजह से वी वांटेड टू जस्ट एंजॉय द फुल टाइम रादर देन वर्किंग। सो लेट्स एंजॉय दिस होल वीक। सो ये जो आगे के ये पहाड़ देख रहे हैं, अगर एक्चुअली में मनाली से काजा इज वेरी नियर, अगर आप कोकसार होके जाओ, लेकिन वो रोड फुल ऑफ रोड है और अभी बंद पड़ा है ड्यू टू स्नो। तो एक्चुअली में काजा ये सब पहाड़ को पूरा क्रॉस करके दूसरे साइड में है, मतलब मनाली के पैरेलल में ही है। अब अगर मैप देखोगे तो हम लोग अभी नीचे जाके घूम के फिर दूसरे तरफ जा रहे हैं स्पीति। जैसे उसको कहते हैं ना पिन वैली पार्क और पार्वती वैली, वो सारा ऊपर है। हाँ। वही पहाड़ है उनकी दूसरी साइड। क्या था? पूरा पत्थर गिरा ऊपर से, बच गया यार वो आदमी ऊपर से। क्या कर रहा भाई, वो मर जाता अभी। सो इस वाले नदी पे, ब्यास नदी में राफ्टिंग होती है। आपको लाइन से यहाँ पे राफ्टिंग की शॉप्स मतलब बुलाते हैं कि आइए आइए राफ्टिंग कीजिए। ये देखिए मैस्टिव ग्रैंड, ये भी एक पेट फ्रेंडली होटल है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, पूरा रिवर के साइड में ही। मैंने देखा अराउंड 3 to 4 thousand के रेंज में है ये पर डे। मनाली में मैंने ये देखा कि यहाँ पे डॉग लवर बहुत है, मतलब यहाँ पे आपको पेट फ्रेंडली होम स्टे होटल्स काफी मिल जाएंगे। देखिए ऊपर सब पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, कम से कम 4-5 ऐसे घूम रहे हैं ऊपर। और साइड में देखिए पैराग्लाइडिंग स्टॉल। इतनी तो हमारे में हिम्मत नहीं पैराग्लाइडिंग करने। पता चला पल्लवी बैठी कहते भाई लैंड करा दे, लैंड करा दे, 500 रुपए ज्यादा ले, 500 रुपए ज्यादा ले, लैंड करा दे। राफ्टिंग कर रहे हैं। हाँ, इस एरिया में पानी का फ्लो ज़्यादा है, यहाँ पर मज़ा आएगा राफ्टिंग। सो ये अभी हम लोग पहुँच गए हैं कुल्लू, और कुल्लू में देर इज नो साइटिंग ऑफ बर्फ, तो दूर दूर तक कहीं भी बर्फ नहीं है और गर्मी अलग है। सो हम लोग जैसे ही टनल क्रॉस किए स्ट्रेट मंडी निकल जाता। सो टनल से बाहर निकलते ही हम लोग लेफ्ट साइड में यू टर्न लिया और अभी हम लोग हैं जीभी के रास्ते में।
वो आगे जाके कॉन्फ्लुएंस है, आपको दिख रही होगी एक डिफरेंस। जो रिवर ब्यास है वो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर में है और ये वाली रिवर सेंज रिवर पूरा ग्रीन है। सो दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे हाइडल पावर स्टेशन बना रखा है। सो वो थी रिवर सोंज, कहीं पे लिखा था हिंदी में सोंज। मुझे वो कैप खरीदना है, एक हिमाचली कैप, हाँ ग्रीन कलर का जो होता है। ये ढीला है मतलब पूरा टाइट होके बैठ रहा है, चिपक के थोड़ा बैठ रहा है। इनसे पूछा ट्रेडिशनल में क्या है, तो कह रहे हैं देखो यहाँ तीन कलर चलते हैं। ये कलर है बीजेपी का, तो बीजेपी वाले जो सपोर्टर हैं वो ज्यादा पहनते हैं। ये है कांग्रेस का, जो कांग्रेस वाले सपोर्टर हैं, और ये है आम जनता जो पहनती है। ऐसे बात तो है क्या? वही बोले दुकान वाले, अब तो तुम बताओ। हम पॉलिटिकल इसमें नहीं जाएंगे, हम आम जनता वाले लेंगे। आम जनता में जाओगी? ये लो, तो पांच डिफरेंट बॉर्डर वाले हैं, पहन के देखो। सर पे नहीं आ रहा ना, पूरा नहीं आ रहा, टाइट है। हाँ टाइट है, ये नहीं रहा तुम्हें? हाँ ये सही आ रहा है, मरून बीजेपी तुम दिखाओगी। ये पहन के देखो, ये साथ भी था मोदी के साथ, आम आदमी वाला। ये बहुत ज्यादा ढीला है, ये ही ले रहे ना तो फोटो के लिए अच्छा है। हमारे में तो और टाइट है। हाँ मेरा और टाइट हो रहा है। सो मैंने तो बढ़िया एक कैप ले लिया है, कलरफुल वाला आम जनता वाला कैप, बढ़िया लग रहा है। वाह थोड़ा सा ढीला है, अच्छा लग रहा है। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, चलो। तो साड़ी जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये मैं ये लेती हूँ। हैं? ये लेती हूँ। और ये देखो जरा, एक पहन के। ये पट्टू है सर, ये मतलब टोटल कवर होता है ना? ये टोटल कवर होता है। लेके बैठा हूँ। अच्छा है ना? ठंडकों में भी तुम्हें काम आएगा ऊपर। ये बढ़िया तो है। कैप हो गया, शॉल हो गया और एक जैकेट, सही है। सो आधा रास्ता तो कवर कर लिया है, अब नेक्स्ट हाफ है। सो तीन साढ़े तीन घंटे का जर्नी अभी। कैप बढ़िया लग रहा है वैसे। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि वो बीजेपी और कांग्रेस ऐसे पहनते, मुझे लगा कि ग्रीन वाला जो है यहाँ पे पहनते हैं सब लोग। ये भी नहीं मालूम था, पता नहीं वो शायद ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ हो सकता है ऐसे ही बोला हो, उसको भी सबका अपना ओपिनियन होता है ना, डिफरेंट ओपिनियन। सो वी डोंट वांट टू गो पॉलिटिकल, तो इसीलिए हमने बस आम आदमी वाला पहना। अब आम आदमी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी नॉर्मल पीपल, मैंगो पीपल, आम आदमी। सो बहुत सक्रिय रास्ते हैं, पतले पतले, मतलब एक ट्रक आ गई तो आपको बहुत साइड करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा जगह जगह बनाया हुआ है तो आपको वहां पर रोक लेना चाहिए ताकि दूसरा पास हो पाए, लेकिन रोड कंडीशन अच्छा है। हाँ रोड अच्छी है, बस ये है अंधे मोड़ ज्यादा है यहाँ पर, तो उस पे थोड़ा संभल के। बाहर में गर्मी बहुत है, 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग जो उतरे थे कैप खरीदने के लिए, उतना गर्मी आ गया। हाँ मुंह लाल हो गया था। हट जाओ, ए हटो, शू 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 पिक्सी भगाओ। देख रही बोले कितनी पतली रोड है और कितनी खड़ी चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई पे अगर गाड़ी रुक गई तो उसको फिर वापस चढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। उसमें दो गाड़ी आके मेरे साइड से निकल के मुझे रोकना पड़ा। अब ये देखो, अब इसमें क्या है कि अब इसमें आपको पीछे करना पड़ेगा हमें आगे। आप देख रहे हैं ये पतली सड़क है, इसमें जहाँ और एक तो चढ़ाई ऊपर से साइड में गाड़ियां आ जाती तो बहुत स्किल्ड होना पड़ता है दाएं बाएं करने के लिए, वरना गाड़ी फंस जाएगी, छू जाएगी। और अगर आप बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे तो पीछे भी हो जाएगी। मेरे साथ अभी पीछे हुआ, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे मेरे को रोकना पड़ गया क्योंकि दो गाड़ियां आ गया कि जगह ही नहीं है निकलने का।
फिर हमने उनको पास दिया, फिर मैंने अपना वही हैंड ब्रेक उठाया, थोड़ा एक्सीलेटर ज्यादा लिया और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लच छोड़ के उठाया, सो उठ गई, हल्का सा टायर नाचा, लेकिन दोज थिंग्स आर डेंजरस, सो अंटिल अनलेस यू आर स्किल्ड और आपको ये सब चीजें पहाड़ों पे चलाने का एक्सपीरियंस है तभी आइएगा, वरना नहीं। ये रोड थोड़ी वैसी बहुत पतली है, सोचिए इतनी पतली पतली रोडों पे तेजी से गाड़ी उधर से उतरती हुई आ रही है, ये देखिए, देखा ऐसे ही, और देखिए मेरी गाड़ी बंद हो गई, अब यहाँ पर ये देखिए एक मिनट रुको, इसमें एसी ऑफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा गियर, हल्का सा ब्रेक ताकि पीछे ना जाए, देखिए ब्रेक ले रहे फिर भी पीछे जा रही है, और मुझे एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, पीछे हल्की जाएगी गाड़ी उतने में ही क्लच छोड़ना पड़ेगा ताकि गाड़ी आगे ही बढ़े। अब ये देख लीजिए आप, ये देखिए टायर भी नाच रहा मेरा यही तो मजा है, वाह। अभी बैक कर रहे हैं हम लोग, उसके पीछे था रास्ता, आराम से निकल जाएगी। So, ये जीभी से छेद होके जो तीर्थन वैली वाला रोड है ये वो है, तो इसमें बहुत पतली सड़क है, तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ध्यान से थोड़ा सा सेफली ड्राइव कीजिएगा। जीभी पहुंच गए हम लोग, और जीभी से हम लोग का जो डिस्टेंस है 73 किलोमीटर रह गया है, और 2 hours 50 minutes गूगल बता रहा है। व्यू तो बहुत ही शानदार व्यू है इस तरफ, पूरा पाइन ट्रीज ही पाइन ट्रीज है, पाइन ट्रीज पूरा भरा पड़ा है, बहुत धूल मिट्टी हो रही है तो इसलिए नहीं दिखा रहे, थोड़े दूर जाके आपको दिखाते हैं बाहर से, शीशे सब गंदे हो रखे अंदर बाहर सब। टनल क्रॉस करके हमने जब लेफ्ट लिया उसी पॉइंट से ही NH 305 स्टार्ट होता है और ये आगे जाती है। अरुण ने इतनी खड़ी चढ़ाई है कि कभी कभी सेकंड गियर पे उठ नहीं पाती गाड़ी, फर्स्ट गियर पे चढ़ाना पड़ता है। इस प्लेस का नाम है सोझा, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऊपर वाले पहाड़ों में बर्फ है, तो काफी हाइट में है, सिम्स देखिए इस वाले पहाड़ में हल्की फुल्की बर्फ दिख रही है। यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो गया है, लाइक 36 डिग्री सेल्सियस था जीभी के नीचे, अब यहाँ पे 24 ऐसे दिखा रहा है। टायर स्मेल कर रहा है, टायर नहीं है ये, क्लच स्मेल कर रहा है, क्लच क्योंकि बहुत ज्यादा आरपीएम बढ़ाना पड़ रहा है ना चढ़ाने के लिए, और फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में, थर्ड तो लग ही नहीं रहा है, सेकंड में लगाने में आफत आ जा रही है। खड़ी कर दी है कि थोड़ा ठंडी हो जाए, और मौसम भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है, या फोटोशूट बनता है ना, बढ़िया लोकेशन है, ठंडा ठंडा, मतलब इतना भी गर्मी नहीं है, मस्त वाला मौसम है। और यहाँ पे एक चीज हमने देखा, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन खूब सारा लगा हुआ है, ये देखिए ये क्या है, लिली है क्या,
पूरे पहाड़ में देखिए लगा हुआ है। पिक्सी पिक्सी, आज तुमको भूख नहीं लगी क्या? खाना नहीं खा रही हो? पाइन ट्रीज मस्त लग रहा है। ये देखिए पाइन फ्रूट कितना छोटा सा है और अच्छा लग रहा है। सो नाइस। देखिए बर्फ यहाँ पे खूब सारा बर्फ है, मतलब हम लोग हाइक पे है। अपनी सुरक्षा के लिए पहले गियर पे वाहन चलाए, वही तो कर रहे हैं। गाड़ी स्मेल करने लगी है मेरी। और बिल्कुल हम लोग इस समय टॉप पे हैं, आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। अब यहाँ पर ड्रोन शॉट बनता है, लेकिन अगर हम चला देंगे तो कहीं उतर ना जाए ड्रोन, कहेगा अरे हम 15 मीटर से तो बहुत ऊपर हैं, नीचे जाने दो मुझे, और चला गया तो हम जा भी नहीं पाएंगे। सो ये देखिए नज़ारा यहाँ से, इधर तो पूरा बर्फ ही बर्फ है, और ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा, क्या चाहिए आपको। और क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, ठंड मस्त है। हाँ ठंड तो मस्त है, लेकिन गाड़ी में से स्मेल क्यों आ रही है यार? अरे थोड़ा सा ये इतनी देर से फर्स्ट सेकंड गियर भी चल रही है ना, गर्म आ रही, ठंडी हवा सही होती है। देखो ये भी हो सकता है कि वो क्लच की नहीं हो, टायरों का स्मेल हो, क्योंकि टायर लगातार चढ़ रहे हैं ना ऊपर, तो घिस रहे होंगे, तो गर्म हो गए होंगे टायर, तो टायर की स्मेल भी हो सकती है। यू डोंट नीड टू वरी, वैसे भी गाड़ी का रोड साइड असिस्टेंस है, एंड दिस इज अ मोटरेबल रोड राइट, कुछ हुआ तो महिंद्रा वाले बुलाएंगे और क्या, और रात यहीं पर बिताएंगे अपनी गाड़ी के अंदर। वो इतना जल्दी थोड़े ना आएगा, आएगा 4 घंटे आएगा, 5 घंटे आएगा। जलोड़ी जलोड़ी कितना सीनिक रास्ता है ये जलोरी के बाद। रोड्स भी अच्छी हैं, बस थोड़ी सी सकरी और पतली हैं, बट दैट्स ओके। अब पहाड़ है तो थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही जरा जरा, लेकिन वेरी गुड रोड्स। तो जीबी के पास थोड़ा सा रोड खराब थी, जब जीबी के लिए चढ़ते हैं उस समय थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे मिलते हैं, और फिर उसके बाद जो जलोड़ी अभी क्रॉस किया उसके बाद से मतलब रोड्स काफी मतलब बेटर हो गए हैं। जलोरी इज द टॉप ऑफ दैट माउंटेन जहाँ पर आपको बर्फ मिलेगी। वहाँ पीछे बोर्ड लगा था कि घातक है, जरा धीरे चलिए, यहाँ कच्चा रास्ता है, रोड नहीं है, इस वजह से बोर्ड लगा रखा है गवर्नमेंट ने। सीम्स लाइक इस लैंडस्लाइड एरिया है, हुआ है लैंडस्लाइड, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए लैंडस्लाइड का एरिया है, सही से वैसे थोड़ा कच्चा रखा हुआ है, पूरा सड़क गया है नीचे, देखो पूरा गिरा हुआ है। 2 मिनट का खराब रास्ता था, अब फिर से अच्छी रोड्स आ गई है। अब यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया है हमारे डेस्टिनेशन तक, आज का जो डेस्टिनेशन है अभी तक, तो 50 किलोमीटर्स एंड नियर अबाउट 2 आवर्स लगेगा। कितना बढ़िया है, और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले 60 किलोमीटर। और कुछ तो प्लांटेशन है या कुछ फ्रूट्स हैं जिसपे पूरा पन्नी चढ़ा रखा है,
इस समय क्या होता है मुझे नहीं मालूम, एप्पल का होगा या फिर कुछ और होने वाला है, लेकिन पूरी वैली में कर रखा है ऐसा, यहाँ कुछ तो होता है प्लांटेशन के ऊपर यार। अभी बज रहा है 4:25 और देखिए हमारा मुश्किल से 48 किलोमीटर बचा हुआ है। तो फ्रॉम मनाली टिल बिथल एग्जैक्ट टाइम 5.5 घंटा बताया, तो ये उसी टाइम के हिसाब से चल रहा है। तो रोड अच्छे हैं, बस बढ़िया नए टायर लेके आइएगा, आपका ब्रेक सेक्स नए हों और बाकी गाड़ी की क्लच वच में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इन पहाड़ों पर चल पाओगे, क्योंकि स्टीप चढ़ाई है फिर उतरना भी वैसे ही है, तो उसमें गाड़ी भागती बहुत, तो ब्रेक बहुत लगता है। वाह, आई थिंक इस गांव में खूब हार्वेस्टिंग होती होगी। एक जगह पूछ के पूछो, कंफर्म करो। ये किस चीज के पेड़ हैं जो ढक रखे हैं? सेब के है। ये सब सेब के जो ये लगा रखा है, ये सेब के लिए? हाँ जी, के लिए डाले हुए। किसके लिए? जो ओला है, ओला आता है क्या? हाँ, बहुत सारा। ठीक है, थैंक यू। क्या है वो कह रहे हैं? इसलिए लगाया है कि ओला जो बर्फ गिरती है ना, तो ये सब एप्पल के पेड़ है? सब एप्पल के पेड़। हम लोग तो खुमानी समझ रहे थे, एप्रिकॉट। काले बादल, आंधी आ गई बाहर। सही में वो देखो आग वहां भी जलाई है, देखा? अच्छा, जलाते हैं क्या? ये जलाया है। मटर है ना? हाँ, ये मटर छीनो, हाथ पहुंचेगा। अरे अभी उसमें दाने ही नहीं है। वो देखो बिजली, ओ माय गॉड बिजली पकड़ की, यानी कि ऊपर साइड में बर्फ गिरेगी अभी। ये ग्रास देखो ना, कितना सुंदर ग्रास है, येलो रेड। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अन्नी, और ये सीम्स लाइक थोड़ा सा बड़ा टाउन लग रहा है। सो टाइम अभी 5:21, सो यहाँ से अनादर 29 किलोमीटर्स और 55 मिनट्स लगेगा, ऑलमोस्ट 1 आवर। देखिए डबल लेन आ गई है, एटलीस्ट अभी आराम से जा सकते हैं। ये साइड में सतलुज रिवर है, ये नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब रोड वो खत्म हो, इतनी पतली सड़क थी। नहीं, अच्छी तो थी सड़क, इतनी सीनिक व्यू था। पहाड़ों में क्या चाहिए तुम्हें, 4-lane highway चाहिए क्या? ऑब्वियसली। अच्छा, ये देखिए अभी हम लोग NH5 में कनेक्ट कर रहे हैं। ये पीछे से जो रोड आ रही है वो शिमला से आ रही है, और ये अभी हम लोग NH5 जो काजा के लिए यही रोड जाएगी। जो होटल है
द एप्पल क्रेस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट. और यहाँ से पीछे आपका नरकंडा जो एक प्लेस है वो समवेयर 15 to 20 किलोमीटर है. सो ये हाईवे तो एकदम टनाटन हाईवे लग रहा है. सो अगर कोई शिमला से आ रहा है तो यही हाईवे कंटिन्यू करेगी. तो अगर शिमला से यहाँ तक आएगा तो मेरे ख्याल से ये अच्छी रोड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी जाके यही अच्छी ऐसी बनी रहे. और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं. 500 मीटर में हम लोग का होटल है. मनीष बोल रहे बहुत जल्दी पहुंचा दिया. और हाँ, अभी तो अभी रोड मिली तो हम लोग काजा तक दाब सकते थे. अननेसेसरी हम लोगों ने कल्पा में और यहाँ लिया हम लोगों ने. नहीं नहीं, आज एक्चुअली कल्पा जा सकते थे अगर सुबह निकलना पड़ता तो. मनाली से जा सकती, कितना मुश्किल, 2 घंटा होगा कल्पा यहाँ से. हाँ, नहीं बाबा, 5 घंटे का रास्ता है नेक्स्ट कल्पा का. हाँ, तो रात बात हो जाती. चलो ठीक है, तुम अभी आराम से अपना वीडियो एडिट करो. हाँ ये भी करते हैं, चलो वीडियो एडिट करते हैं, वो भी जरूरी है. बैठ के एक वीडियो तो डाल ही देते हैं, अगर बन गया तो इसको भी अपलोड मार देंगे. ट्यूसडे को ये अभी लाइव हो जाएगा. ये एप्पल क्रस्ट वी मिस्ड इट. इसमें तो आगे दिखा रहा है. यहाँ पे तो बढ़िया एकदम खाने पीने का है, फूड मार्ट है ना. ये है हम लोग का स्टे आज के लिए, एप्पल क्रेस्ट. वही लगाओ कहीं पे. सो रूम पहुंच चुके हैं. पिक्सी को अभी तक लाए नहीं है. पिक्सी को अभी जाएंगे लाने, अभी सामान बस रखवा दिया है. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रूम. हाँ ये है भित्तल में, भित्तल से ही बोल रहे हो ना, भित्तल. भित्तल में तो जर्नी अच्छा रहा, थोड़ा सा पतला रास्ता था, मुझे तो थोड़ा सा एडवेंचरस लगा. मेरे लिए अच्छा था, ड्राइव अच्छी थी, इट वाज नाइस ड्राइव. लेकिन हाँ मतलब अगर मनाली से जल्दी निकलते, लाइक हम लोग अगर 7-8 बजे निकल जाते तो हम लोग आज रिकॉन पी और कल्पा तक पहुंच जाते. तो अगर आप लोग भी मनाली से कभी आ रहे हो इस रूट से, इट इज वेरी सीनिक रूट, आपको अच्छा लगेगा. बस वही जैसे मैंने बोला, टायर्स अच्छे रखना अपने, ब्रेक्स नहीं रखना और क्लच ज्यादा मत दबाना वरना गर्म होने लगेगा. And you will find this route very good. तो अभी तो पहुंच गए, अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर कल सुबह की जर्नी स्टार्ट करेंगे. अभी नीचे जाएंगे, पिक्सी को लाएंगे. पिक्सी अभी तक आई नहीं है तो उससे पहले मैं रूम टूर एक दे देती हूँ और उसके बाद पिक्सी को लाने जाऊंगी. और आज जो टर्न है एडिटिंग का वो इसका है. नहीं, तुम्हारा है. मैं तो कर चुका हूँ लास्ट टाइम. मैं ड्राइव करके थक गया हूँ और ये कहती मैं हीरोइन. नहीं नहीं नहीं, तुमने बोला कि हम इतना यहाँ पे क्यों होटल ले लिया, हम और आगे तक जा सकते थे, है ना. तो वो आगे का जो एनर्जी तुम्हारी बची है ना वो एडिटिंग पे लगाओ. हम खाने में लगाएंगे, हम खाना मंगाएंगे बढ़िया बढ़िया. तो ये है देखिए कॉरिडोर और ये हम लोग का रूम, रूम नंबर 205. ये रोड साइड व्यू है. तो ये ओपन होता है, एक छोटू सा लिविंग एरिया है. यहाँ पे देखिए सोफा कम बेड रखा है, फिर 2 चेयर और यहाँ पे टीवी का प्रोविजन है, लेकिन टीवी अभी तक नहीं है यहाँ पे. और ये स्ट्रेट जाता है, फिर अभी एक कवर्ड है यहाँ पे और कवर्ड के सामने ये स्पेस है सामान रखने के लिए, एक टेबल है, कॉफी स्टेशन है और ये बाथरूम है, काफी बड़ा सा बाथरूम है एंड नीट एंड क्लीन. देखिए और बाथरूम से बेडरूम का व्यू, डायरेक्ट आप बेडरूम का व्यू ले सकते हो. ये यहाँ पे हमारा सामान है, ये कबर्ड है. ऊपर देखिए क्या बढ़िया एकदम वुडन वर्क है. और ये मिरर और ये रहा बेड, बेड के सामने टीवी है एंड यहाँ पे व्यू मैं दिखाती हूँ आपको. और ये है रोड साइड व्यू. ये वाला हाईवे है, देखिए हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क्ड है. सो दिस इज द हाईवे NH5, एकदम हाईवे से लगा हुआ ही होटल है. अब लेकिन रूम्स आर प्रेटी नाइस, एसी है और यहाँ पे ये देखिए कितना सुंदर से सीलिंग है. ये एग्जीक्यूटिव रूम है. एग्जीक्यूटिव रूम और कितने का पड़ा ये हमको? 4000 फ्लैट. फ्लैट विद पेट. सो दिस इज अ पेट फ्रेंडली होटल और विद पेट. ये रूम हमको 4000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट. ये देखिए रात का व्यू और
तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो देख के कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय। चलेगा बाय बाय। ओ बाय बाय।